नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के जहांगीराबाद पुलिस ने टीला जमालपुरा थाने के जिला बदमाश को जिंसी से घूमते हुए दबोच लिया। इतना ही नहीं, पुलिस को उसके पास से एक चाकू भी मिला। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अरशद उर्फ बब्बा टीला जमालपुरा थाने का निगरानी बदमाश है और उसे कुछ समय पहले ही जिला बदर किया गया था। मुखबिर से सूचना मिली कि वह जिंसी के पास हथियार लेकर घूम रहा है। घटना की खबर लगते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से चाकू भी मिला। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि वह वारदात करने के इरादे से घूम रहा था। टीआई शहबाज खान ने बताया कि अरशद पर टीला जमालपुरा और हनुमानगंज थाने में 40 से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज है। उसका ये तीसरा जिला बदर था। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से आया था। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। कल रात में पुलिस को सूचना मिली कि मिलन टी स्टॉल रंभा टाकीज के सामने पुराने शहर का कुख्यात बदमाश अरशद उर्फ बब्बा, जो कि जिला बदर में है, वहां पर खड़ा है, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है कि सूचना पर पुलिस रवाना हुई। तस्दीक की तो एक छुरी के साथ टीला निवासी अरशद उर्फ बब्बा गिरफ्तार हुआ है। इसके विरुद्ध हमने जिला बदर उल्लंघन एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न थाना, खासतौर पर हनुमानगंज टीला में करीब 40 अपराध पंजीबद्ध है और ये तीसरा जिला बदर आरोपी का है। आदतन काफी खतरनाक आरोपी है। वहाँ पर ये अकेले मिला, बाकी काफी लोग थे जो इधर उधर भाग गए। ये कई अपराध, ये काफी सक्रिय अपराधी है टीला थाना क्षेत्र का। इसकी आदतों में सुधार नहीं था, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी तो इसको जिला बदर किया गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।